नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू, मैं हूँ राज संगोत्रा। अपनों से इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन आज आप देख सकते हैं, जो कि कामेश्वर मंदिर से, जो कि आम आदमी पार्टी ने ये हल्ला बोल प्रदर्शन वहाँ से अपने कराले से निकाला था और इस वक्त पहुँच चुके हैं अखनूर के बीचों बीच बाजार। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन जो कि सड़कों पर निकाल रही है। और मैं आपको बता दूँ, लाइव वीडियो तस्वीरें आप अखनूर से देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिवाय भ्रष्टाचार के और सिवाय बेरोजगारी के और कुछ नहीं मिला है। आज आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में एक पद यात्रा निकाल रही है जिसके प्रमुख मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। आप सब भलीभांति जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में इस मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अग्रवाल जी साहब की बात करें, उन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा किया था, लेकिन युवाओं के हाथ में केवल और केवल मात्र भ्रष्टाचार, नौकरियों के नाम पे स्कैम हाथ में लगा है। ये वो पार्टी है जो 10 रुपए सिलेंडर बनने के बाद सड़कों पर उतर जाती थी, लेकिन आज 1140 रुपए का सिलेंडर है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सड़कों पर नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी तमाम युवाओं से, सभी जम्मू कश्मीर के वासियों से अपील करती है कि वो अरविंद केजरीवाल साहब की ईमानदार सरकार, ईमानदार पार्टी है। जम्मू कश्मीर में हमारे साथ मनोहर लाल जी भी है। मनोहर लाल जी, आज जो हमने किया है, दूध पे GST लगा दी है, पनीर पे GST, हर चीज पे GST टैक्स है। हमें ये डर आ रहा है कि कहीं ये सांस लेने पे भी GST न लगा दे, और इसलिए आज जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जितने भी स्कैम हुए हैं आप देख रहे हैं, स्कैम हुए हैं। ये कितने जहां एल जी साहब ने 50,000 नौकरियों का वादा किया था, मेरा ख्याल 50,000 नौकरियां भी नहीं निकली, लेकिन स्कैन ही स्कैन है। तो फाइनेंस में स्कैन हुआ, पुलिस भर्ती में स्कैन हुआ, और जहां पर था और वहां पर देखो माइनिंग माफिया कितना एक्टिव हो चुका है, और जहां तक कि हम पहले सोचते थे माइनिंग माफिया हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पर लोग त्रस्त है, अमीरों की सरकार है, जमीनों की जा रही है, लेकिन जॉब मिले जो हमारे गृहमंत्री जी, भारत के गृहमंत्री हैं, वो जुमला जुमला पेश कर रहे हैं नौजवानों को, बरकरार रहे उनकी जो भविष्य है, उनके जो फ्यूचर है, और अंधेरे में डाल रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी जिम्मेदार है या इनका सदस्य जिम्मेदार है? क्या आम आदमी पार्टी एक सवाल करती है? अरविंद केजरीवाल ने जेल भेज दी, लेकिन भारत का जनता कहा गया है
इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार काफी दूरों पर है और हाथ में भी काफी जगह इन्हें छापे मारे थे। ये लोग सरकार जो है लोगों को नौकरियों के नाम पर ठग रही है, 200 करोड़ का घोटाला किया है, ये पुलिस के सब भर्ती में घोटाला कर दिया है। हर जगह ये घोटाला वाली सरकार है, ये घोटाले करती रहेगी और घोटालों में लोगों को घुमाती रहेगी और लोगों का जो मूलभूत सुविधाओं की तरफ जो ध्यान हमको भटका देते हैं। इसलिए ये सरकार जो है GST दवा सब गरीबों में ढोक रही है, जगह सब दही पर लगा रही है, पनीर पर लगा रही है, दूध पर GST लगा रही है, बच्चों की किताबों पर लगा रही है, पेंशन पर लगा रही है, सरकारी स्कूलों की जो फीस बढ़ा दी है और प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर दी है। इसका ये मतलब है कि जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, इसके दिल में खोट है, इसके मन में चोर है। ये सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, ये सरकारी स्कूलों को बंद करके उनकी ज्यादा फीस वो करेंगे और लोग जो गरीब जनता पहले ही पढ़ रही है महंगाई के प्रे प्रे कर रही है और वो क्या करेंगे, सरकारी स्कूल लालच में आकर के सरकारी स्कूल के बच्चे अपने उठाएंगे और प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। जब स्कूल सरकारी बंद हो जाएंगे, जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट स्कूल की फीस उठा देंगे, वो सरकारी स्कूल रहेंगे। सरकार अपना जो है अपने जैसे सिलेंडर के पहले 400, 450 था तो कुछ सब्सिडी भी आती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ये बड़ी दायित्व की घटना है, ये कोई सब्सिडी नहीं देना बंद कर दिया है। 11-12 तो मार्केट में जाओ तो 150 रुपया और बढ़ गया तो ये तो छूट चले जाएगा, ये तो लोगों को जीना हराम कर रही है लोग। इसलिए मैं कहता हूँ भाई तख्त बदल दो, ताज बदल दो, फिर मिल गए कि नहीं खबर सामने। राशि बोल रहे हैं कैमरा सर्जी के साथ अपने उससे सामना जो